तो ये वही देवली का बुद्ध विहार है जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर विद्यापीठ ने लड़ाई लड़ी थी, सचिवालय घेराव किया था डीसी कपिल जी के नेतृत्व में। वो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अंबेडकर विद्यापीठ के, और अभी सुबह सुबह जो खबर मिली है उसके हिसाब से डीसी कपिल जी को हिरासत में ले लिया है, उनको डिटेन कर लिया गया है। 10-12 पुलिसकर्मी उनके घर पर आए थे, और अभी हाल ही में दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा के बैनर तले भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उनके पुत्र हैं हमारे साथ, वो बताएंगे कि क्या हुआ था सुबह। सुबह हम लोग सब सो रहे थे, घर में आए पुलिस वाले, अंदर तक आए, उन्होंने बोला कि आपको अरेस्ट कर किया जा रहा है। ये नहीं बताया कि किस लिए किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए किया जा रहा ताकि आपका प्रोग्राम ना हो, सिर्फ इस वजह से। तो आज कोई कार्यक्रम रखा गया था? आज एक कार्यक्रम था NRC के विरोध में, शांतिपूर्ण तरीके से। हम कोई कुछ नहीं करना चाहते थे, हमने विद परमिशन लेके करना चाह रहे थे। हमने परमिशन के लिए अप्लाई भी किया था DCP के पास, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो हमने उनसे बात करना चाहते थे, और हमने इस चीज़ को उनकी बात मानते हुए कैंसिल भी कर दिया था प्रोग्राम को, बट वो कैंसिलेशन के बावजूद वो लोग सुबह घर पे आके डिटेन करके लेके गए हैं। कहाँ ले गए ये पता है आपको? ये मेरे को कोई आइडिया नहीं है, हम उसी के लिए आज यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेहद कष्टपूर्ण है बहुजन समाज के लिए, और दिल्ली में DC कपिल जी का एक मुकाम है, एक बुद्धिजीवी हैं बहुजन समाज के, वो एक अधिकारी रहे हैं दिल्ली विद्युत बोर्ड से। आज उनको सुबह गिरफ्तारी दी, और ये सरकार ने नहीं बताया है कि उनको कहाँ लेकर जा रहा है, इसलिए उनका परिवार बेहद चिंतित हैं, और हम इस संकट की घड़ी में उस परिवार के साथ हैं, समाज के साथ हैं, और सबको मिलकर शांतिपूर्ण सत्ता ग्रह करना है। हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं और बाबा साहब के अनुयायी हैं, हमें संघर्ष करना है लेकिन शांतिपूर्ण करना है, और हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि अविलंब उनको छोड़ा जाए और ये बताया जाए कहाँ पर है। अभी तो कोई सूचना दी गई नहीं है, और ये बेहद एक खौफजदा माहौल है। DC कपिल जी एक सोशल लीडर हैं, और यहाँ देवली पहाड़ी के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विद्यापीठ के वो अध्यक्ष हैं। उन्होंने कई शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए हैं। आज उनकी आवाज़ को दमन करने के लिए, उनकी आज़ादी को छीनने के लिए जो डिटेंशन किया है वो सही नहीं है, और हम अपील करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए। हम डॉक्टर अम्बेडकर विद्यापीठ पर खड़े हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर विद्यापीठ के वो प्रेसिडेंट भी हैं DC कपिल साहब, और दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, और NRC के विरोध में आज एक प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वालों की वजह से उनको सुबह उठा लिया गया, और ये भी नहीं बताया कि वो हैं कहाँ, जबकि DC कपिल ने इसके लिए क्या नाम विद्यापीठ के लिए 25 जून को जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया वो बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा। हम बिल्कुल संविधान के अनुसार काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने पुलिस वालों ने ये भी नहीं बताया कि उनको लेके कहाँ गए। हम यहाँ अपील करते हैं कि ऐसे बुद्धिजीवी आदमी को जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, और आज के नमाज अदा होने से पहले उनको छोड़ दिया जाए, और क्षेत्र में शांति अमन बना रहे, इसलिए हम आपसे अपील करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई DC कपिल जी एक संविधानवादी विचारधारा के सोशल वर्कर हैं, उन्होंने बहुत सारे वो अभियान चलाए हैं, बहुत सारे काम किया है, वो जो सामाजिक हित के लिए काम कर रहे हैं। तो हम ऐसे बुद्धिजीवी आदमी को समाज में रखने के लिए, और उनके साथ में जो दुर्व्यवहार किया गया है, एक सामाजिक आदमी के साथ में दुर्व्यवहार किया गया है, वो बर्दाश्त से बाहर है। हम दिल्ली पुलिस से ये अपील करना चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द उन्हें छोड़ दिया जाए समय रहते, और अपील ही करेंगे हम, क्योंकि हम संविधानवादी विचारधारा के आदमी हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर के मानने वाले आदमी हैं, जो कि शांतिपूर्ण ढंग से हम कोई भी प्रोग्राम को करते हैं उसको अंजाम देते हैं। DC कपिल साहब भी बहुत दिन से अपना पूरा जीवन उन्होंने निकाल दिया समाज के लिए, तो हम ये समाज सेवा करते करते तो हम चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जाए। हम पूरा बहुजन समाज उनके साथ में हैं, उनके परिवार के साथ में हैं, उनके साथ में अगर कोई भी किसी तरह की घटना दुर्घटना घटती है तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा, बस यही कहना चाहते हैं। आप शाम को गए थे तो आपके साथ ही थे ऋषि कपिल जी, क्या घटनाक्रम रहा? कल हमारे साथ ही थे, हम ऑफिस में बैठे थे, तो उस टाइम में दो पुलिस वाले आए, सब इंस्पेक्टर वगैरह थे, प्रमोद कुमार नाम का एक था और दूसरा एक कोई और था, तो हमने बहुत शांतिपूर्ण उनसे बात करी,
और सब सहमति हुई। हमने ये कहा कि जैसे भी बात होगा हम डीसीपी से 11 बजे बात कर लेंगे। उन्होंने कहा भी कि आप डीसीपी से बात कर लें, तो उन्होंने सुन करके और बोल करके ठीक है आप मिल लेना और बता देना हमें, मैंने कि वो आपके पास में रिपोर्ट आ जाएगी। और ये सब कुछ तय होकर के वो शांतिपुर चले गए और हम भी अपने अपने घर चले गए। उसके बाद में पुलिस वालों ने हमारा पीछा भी किया, खैर वो उनका काम है जैसे भी करें, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज सवेरे जब हमने एक कोस्ट भी डाल दिया था सबके सब लोगों के पास में कि ये अनशन नहीं कर रहे हम लोग और इसको टाला जा रहा है, ये ख़त्म किया जा रहा है, उसके बावजूद भी डीसी कपिल जी को आज सुबह 9 बजे उनके घर से डिटेन किया गया, जो बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है ये कि उनको डिटेन किया गया बगैर बात के, जबकि कोई इसका मुद्दा नहीं था। हमने जब उनकी बात मान ली और वो सब सहमति हो गए, उसके बावजूद भी ये कायराना हरकत की है जो पुलिस ने, ये बहुत शर्मनाक है। और दूसरा है जो ये मोदी सरकार में जो इनको गाइडेंस दी जा रही है कि ऐसे उठा लीजिए, ये बहुत ही शर्मनाक है। मोदी का ये राज्य ऐसे नहीं चलेगा। हम एक गुट होकर के अभी उसके जाएंगे। और इसके साथ में मैं और कहना चाहता हूँ कि हम इस वक्त जो भी ये दुख की घड़ी है, कष्ट की घड़ी है, हम उसके डीसी कपिल के साथ खड़े हैं, एक एक बच्चा साथ खड़ा है, इलाके का साथ खड़ा है। अगर उन्होंने इजान के बाद में ये जो 2 बजे की नमाज होगी उसके बाद में डीसी कपिल जी को नहीं छोड़ा गया, तो हम डीसीपी का घेराव करेंगे, ये निश्चित है, इसको कोई नहीं डाल सकता। धन्यवाद जी। सर आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। देखिए, इंजीनियर डीसी कपिल साहब की हिरासत की सूचना से जो है बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। वो व्यक्ति जो पूरे जीवन समाज के लिए लड़ा हो और समाज में आमजनों की लड़ाई के साथ साथ कर्मचारियों और पदाधिकारियों की लड़ाई लड़ा हो, परिसंघ का नेतृत्व किया हो, BSES में जिसने अपने सभी लोगों की सेवा की हो, जिस सभी लोग जिनको अपना आदर्श मानते हों, और आज वो नौकरी से हटने के बाद भी समाज की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर विद्यापीठ के चेयरमैन भी हैं, आपने देखा कई ऐसे आंदोलन उनके नेतृत्व में सफल आंदोलन हुए, और शांतिपुर में कोई ऐसा रिकॉर्ड उनका है नहीं। आश्चर्य जिस बात पर है कि जिस व्यक्ति का इतना स्वच्छ छवि हो, बेदाग छवि हो, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को भी केवल इस आरोप में कि आप आंदोलन करेंगे, इस तरह की शंका में अगर गिरफ्तार किया जाता है तो ये बहुत दुखद बात।